गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज इंक्रीज इन शेयर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर. जर्नल पब्लिक के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए जो लिमिट एक लगाई जाती है कि जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो कितने अमाउंट तक सब्सक्राइब कर सकता है शेयर्स को, वो जो अमाउंट है उसको इंक्रीज किया गया. इन्वेस्टर अब जो अप्लाई कर सकता है वो 2 लाख रुपीज वर्थ के शेयर्स को पर इशू में अप्लाई कर सकता है. पहले जो ये लिमिट थी वो 1 लाख रुपीज तक थी. तो जो मिनिमम 35% ऑफ नेट ऑफर जो पब्लिक को किया जा रहा है वो रिजर्व है अब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए. और दिसंबर 2010 में जो मैक्सिमम लिमिट थी इन्वेस्टमेंट के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में, उसे इंक्रीज किया गया था 1 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज पर इशू. जो कम से भी है उसने अलाउ किया है कंपनीज को कि वो ऑफर कर सकती है शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर को जो नॉर्मल इशू का प्राइस है उससे कम प्राइस पर. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. सिंस ईयर 2004 जो स्टॉक एक्सचेंजेस को है उनको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया. पहले जो स्टॉक एक्सचेंजेस रजिस्टर होते थे वो अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 होते थे, लेकिन अब जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें कॉर्पोरेट बॉडीज बना दिया गया है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर होते हैं. नेक्स्ट इज योर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट. रिसेंट ईयर्स में इंडियन कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो फंड्स रेज कर सकती हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से थ्रू इशू ऑफ ADRs, GDRs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स एक्सेट्रा के थ्रू. इसके अलावा जो अदर रिफॉर्म्स हुए हैं कैपिटल मार्केट में वो है कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को ख़त्म किया गया इन द ईयर 1992. एज पर सेबी एक्ट 1992 कंपनी जो इशू कर रही है सिक्योरिटीज उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है सभी मटेरियल इंफॉर्मेशन और रिस्क फैक्टर, और इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना. इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए जो सेबी है उसने प्रोहिबिशन ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 को इशू किया है. देन एक्सेस वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक प्राइसेस में उसको चेक करने के लिए जो सेबी है उसने सर्किट ब्रेकर्स सभी इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट्स पे लगाए हैं. सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर जो इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स है या निफ्टी है वो 10%, 15% या 20% किसी एक सिंगल ट्रेडिंग डे पर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो सभी जो ट्रेडिंग है स्टॉक एक्सचेंज पे थ्रू आउट द नेशन वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और चेक किया जाएगा कि एक्सेसिव फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइसेस में क्यों हो रहा है. सिंस ईयर 2008 जो सेबी है उसने अलाउ किया है सभी क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स को कि वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं सभी शेयर्स में. शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? जो इन्वेस्टर है वो सेल करता है अगर सिक्योरिटी बिना उन्हें ओन किए तो उसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना इनकम टैक्स अथॉरिटीज से. सोल आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी भी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए कैपिटल मार्केट में अलाउ कर दिया गया है. देन सेबी ने डायरेक्ट किया है सभी कंपनीज को इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज को कि एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए. देन इनकेस शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर नहीं है जहाँ पर इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए जो तो टाइम लिमिट है कंप्लीशन ऑफ बोनस शेयर के लिए इशू के लिए उसे 15 दिन कर दिया गया है. जहाँ पर शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर है तो जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज है. अवेयरनेस के इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टर्स के अंदर और उनके ग्रीवियंसिस को रिड्रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की गई है. ऑनलाइन इन्वेस्टर ग्रीवियंसिस रिड्रेसल फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.watchoutinvestors.com के थ्रू. देन जो स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी कैपिटल रेज कर सकते हैं जर्नल पब्लिक से थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और उनके लिए उन सेपरेट लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग टर्मिनल्स SME सेक्टर के लिए स्टार्ट किया गया है. देन सेबी ने डायरेक्ट किया है सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को कि वो SMS सेंड करेगी, ईमेल अलर्ट सेंड करेगी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को जो भी ट्रांजेक्शन्स किसी भी पर्सन के अकाउंट में हो रही है एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे. देन जो लीड मर्चेंट लीड मैनेजर्स हैं उन्हें कंप्लाई करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी कंप्लायंस रिपोर्ट सेबी को विद इन 45 डेज जब आपका जो इशू है वो क्लोज होता है. देन जो एक्सेस सब्सक्रिप्शन मनी है वो रिफंड आपको करनी है विद इन 15 डेज जब पब्लिक इशू क्लोज हुआ है. अगर आप नहीं करते हो तो एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज के साथ आप अमाउंट रिफंड करेंगे.
इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मोर देन 18 मंथ्स है, आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मस्ट है, और जो नेम है ट्रस्टी का वो रजिस्टर करवाना है आपको सेबी के पास। तो जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो सेफ गार्ड करेगा इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स के कंपनी में। ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट होती है वो थ्रू क्लियरिंग कॉरपोरेशन होगी, क्लियरिंग हाउस जो है स्टॉक एक्सचेंज का उसके थ्रू होगी, और इस पर्पस के लिए नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेटअप किया गया था इन द ईयर 1996। तो ये एक टेबल है जहाँ पे आपके मेजर माइलस्टोन्स जो इंडियन कैपिटल मार्केट में हुए हैं वो दिए हुए हैं, किस किस ईयर में क्या क्या चीज़ इंडियन कैपिटल मार्केट में हुई। 1947 में इनैक्ट हुआ कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, 1955 में नेशनलाइजेशन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिशमेंट हुआ आईसीआईसीआई का, 1956 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को इनैक्ट किया गया, 1964 में यूटीआई और आईडीबीआई एस्टैब्लिश हुए, 1969 में मेजर 14 नेशन जो कमर्शियलाइज बैंक थे उनको नेशनलाइजेशन किया गया उनका, 1918 में 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, 1991 में एलपीजी हुआ, 1992 में सेबी एक्ट जो था वो इनैक्ट हुआ, 1993 में एनएससी को रिकॉग्नाइजेशन मिली, 1993 में परमिट किया गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में, 1996 में इनैक्ट किया गया डिपॉजिटरी एक्ट, 1996-2000 में इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेट ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, 2003 में इंट्रोडक्शन किया गया T+2 रूलिंग सेटलमेंट सिस्टम का, 2010 में इंट्रोडक्शन हुआ मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग का, और 2014 में इनैक्ट हुआ सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।